हेलो या सुनो, अनम्यूट कर लो सारे। हाँ म्यूट कर लो सारे, म्यूट। नाउ लास्ट टाइम ने किया था कुछ नॉमन क्लेचर, हमें वो डिस्कस करना था अगेन। नॉमन क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड पहला नॉमन क्लेचर आप अपनी कॉपी से देख लीजिए जो हमने किया था। फर्स्ट नॉमन क्लेचर जो था वो था सी आर, विल डिस्कस दिस टुडे, NH3 O5 SO4 Br। पहला ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमन क्लेचर बताना हमने, तो मैंने उस टाइम भी कहा था पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम देते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट में दो लिगेंड्स है। हेलो पापा कौन? हेलो, नाउ एमाइन भी है सल्फेट भी है, पांच अमाइन है इसमें, तो लिखा क्या जाएगा चेक करेंगे आप साथ साथ लिखेंगे भी मेरे साथ, खुद लिखो और फिर चेक कर लो। इट इज पेंटामाइन, देन इट इज सल्फेटो, पेंटामाइन सल्फेटो मेटल एटम का नाम, देन इट इज क्रोमियम, क्रोमेट नहीं आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव पार्ट में है, इट इज क्रोमियम। आपको क्रोमियम स्क्वायर पैरेंथेसिस दिया, स्मॉल ब्रैकेट सा दिया, एंड बाहर से ब्रोमाइड है, इट्स अ काउंटर आयन, इट इज ब्रोमाइड। नाउ आफ्टर दिस हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एक्स हमें निकालना है। अमोनिया का जीरो होता है, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, -2 होता है सल्फेट का, Br का -1 है, तो पूरे का ऐड करेंगे एक्स प्लस जीरो -2 -1 इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल प्लस 3। ये हो गया पहला कॉम्प्लेक्स जो आज का है उसका नाम, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 1 रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, राइट। सो दिस इज आईपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो ये पहला कॉम्प्लेक्स हमने किया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड वन, सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज ZN NH3 होल ट्वाइस Cl2 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नो चार्ज व्हाटएवर हियर। सो इसका नाम हमें देना है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स के नाम से, स्टार्ट नेमिंग दिस कॉम्प्लेक्स, पहले NH3 का नाम फिर Cl का नाम। NH3 amine होता है और Cl होता है, NH3 is amine and Cl होता है क्लोरिडो, ये आपको पहले से पढ़ा चुका हूं मैं, Cl negative is क्लोरिडो। इसी को देख के आप बताओ कितने amine है, 2 amine है, तो we write diamine, 2 क्लोरिडो है तो we write dichlorido। अब बताओ, अनम्यूट कर लो, बताओ जिंक आएगा या जिंक एट आएगा? यस, आपका रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, बोलो जिंक आएगा या जिंक एट आएगा? एम आई ऑडिबल? यस सर, बताओ जिंक आएगा जिंकेट आएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिंक, राइट, इट इज जिंक। अगर नेगेटिव होता तो जिंकेट आता, न्यूट्रल या पॉजिटिव में जिंक आता, हमेशा जिंक और पैरेंथेसिस और बाहर कुछ भी नहीं है बिकॉज देयर इज नो काउंटर आयन। अब हमें क्या देखना है, जिंक का नेगेटिव निकालना है एक्स, अमोनिया इज -0 Cl is -1, so x plus 0, -2 is equal to 0, so x is equal to plus 2, so यहाँ पर 2 लिखेंगे रोमन में, right? This was
हाउ टू नेम, इसको आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, डाल सकते हो ग्रुप में एक एक करके, कम से कम एक एक इमेज सारे बच्चे डालेंगे. दिस इज सेकंड वन. नाउ लेट अस मूव टू थर्ड वन. सी आर EN3 CL3 तीसरा वन. अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें EN है लीजेंड. आपको पता है EN इज ईथेन 1,2-diamine. इसमें डाई ऑलरेडी वर्ड है, तो अगर ईथेन 1,2-diamine होता है, EN इज ईथेन 1,2-diamine. अगर ये दो है तो डिस लिखा जाता है, तीन है तो ट्रिस लिखा जाता है, यहाँ पर तीन है. बिकॉज डाई वर्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो फॉर टू वी राइट बिस एंड फॉर थ्री वी राइट ट्रिस, राइट. तो देख लो बेटा इसका नाम क्या आएगा, ट्रिस, तीन है. नाउ पैरेंथेसिस नाम देना है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स वाला है नाम इसका, ईथेन 1,2-diamine. जो दो वर्ड्स में होता है ये याद रखना है, कभी भी उसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, दो वर्ड्स में नेम ऑफ लीजेंड. सो ट्रिस ईथेन 1,2-diamine. अब बताओ क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम. यस इट इज क्रोमियम. वेरी गुड, इट इज क्रोमियम. आफ्टर क्रोमियम देयर इज पैरेंथेसिस, और बाहर क्या लिखेंगे? अब बाहर ट्राइक्लोराइड है या क्लोराइड है आपको डिसाइड करना है. अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए. क्लोराइड. यस इट इज क्लोराइड. बिकॉज ये तीन है, ये तीन यहां पर चार्ज थी, वो तीन यहां पर क्रिस क्रॉस करके आया हुआ है, राइट. अगर ये चार भी होता तब भी क्लोराइड, दो होता तब भी क्लोराइड, एक होता तब भी क्लोराइड. सो बाहर लिखेंगे क्लोराइड, राइट. बहुत अच्छा. अब इसमें हमने देखना ये एक्स है, ये जीरो है, इसको कुछ नहीं है, अब ये माइनस वन है, तो ऐड कर लो. इट इज एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स इज इक्वल प्लस थ्री. सो यहां लिखेंगे 1,1,1. सो इस कॉम्प्लेक्स का नाम आया ट्रिस, इथेन 1,2-diamine. आप अगर चाहे तो इस पार्ट के बदले, जो ये पार्ट है इथेन 1,2-diamine, इसके बदले मैंने आपको कहा भी था इथिलीन डायमीन भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर है इथेन 1,2-diamine ही लिखो. इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हो, कॉमन नेम इसका. पहले पहले यही लिखते थे इथिलीन डायमीन, लेकिन लेटेस्ट नाम है इसका इथेन 1,2-diamine, एंड यू शुड ऑलवेज गो फॉर लेटेस्ट. जो लेटेस्ट है उसी इथेन 1,2-diamine इज द लेटेस्ट. ये नेक्स्ट था जो हमने दिया था असाइनमेंट. नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज के AgCl2. अब इसका नाम देना है. अब देखो इसमें काउंटर आयन है बाहर, क्या है जरा कोई नाम बता दे इसका. लिखो सारे, कोई भी वॉलंटियरली जो सबसे पहले लिखेगा नाम बताएगा. शाबाश, नाम दे दो इसका. डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो एंड देन एजी. सिंस एजी इज प्रेजेंट नेगेटिव पार्ट सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो अर्जेंटेट जो इसका सिंबल है उसी के नाम से अर्जेंटेट. ब्रैकेट में क्या आएगा वो बताया नहीं आपने बेटा. शाबाश, ब्रैकेट वाला बता दो. प्लस वन एक्स माइनस वन, प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो. सो एक्स इज इक्वल प्लस वन, राइट. इट इज पोटेशियम डाइक्लोरिडो अर्जेंटेट वन. नाउ वील मूव इसको एक स्क्रीनशॉट बिठाओ. विल मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज CuZnNCS4. Cu बाहर है, इट इज कॉपर. बट याद रहे
कॉपर, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, चलो कॉपर तो है मगर कॉपर में भी दो होते हैं ना, प्लस वन एंड प्लस टू वाला, जिंक में हमेशा प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट है, तो कॉपर यहाँ पर प्लस टू का है, तो इसलिए इसका नाम अगर एग्जैक्ट लिखना है यू कैन राइट कॉपर, दैट इज राइट, लेकिन ये सेकंड वाला कॉपर है, क्योंकि कॉपर में प्रॉब्लम यह है ये दो कॉपर होते हैं, या तो आपको क्यूप्रिक लिखना है बाहर से, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन राइट क्यूप्रिक, कॉपर सेकंड के बदले आप क्यूप्रिक लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम कॉपर लिखेंगे वो कंफ्यूजन है, कॉपर तो सेकंड दो ऑक्सीजन स्टेट में होता है, प्लस वन एंड प्लस टू में, ये प्लस टू वाला ऑक्सीजन स्टेट है, क्योंकि जब इसका प्लस टू है, जिंक का प्लस टू है, हो गया प्लस फोर, तभी तो ये फोर नेगेटिव वाले आए, राइट, सो कॉपर टू लिख लो या क्यूप्रिक लिख लो, फिर लिखो इसका नाम, बताओ टेट्रा क्या, शाबाश, थायो साइनेटो एन, या आइसो थायो साइनेटो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख लो, थायो साइनेटो एन, एन से बॉन्डिंग है, अगर एस से बॉन्ड एस सी एन होता तो क्या लिखते, थायो साइनेटो एस, राइट, इसके बाद बताओ जिंक आएगा या जिंकेट आएगा, जिंकेट सेकंड पार्ट में है, बहुत अच्छा, एंड देन ब्रैकेट, तो इसका पूरा नाम कॉपर सेकंड बाहर लिखना पड़ेगा, वो मेटल जैसे पोटेशियम में, पोटेशियम ही लिखते हैं क्योंकि उसका पता है प्लस वन ही है, सोडियम आएगा बाहर तो सोडियम ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा मेटल एटम बाहर आएगा जिसका ऑक्सीडेशन अलग अलग है, तो यू हैव टू इंडिकेट कॉपर सेकंड लिख लो या क्यूप्रिक लिख लो, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हो, टेट्राथायोसाइनेटो एंड जिंकेट सेकंड, सेकंड कैसे निकला, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं ये प्लस टू है, क्योंकि जिंक का हमेशा प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट होता है, जिंक हैज अ फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लस टू, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो मैंने कहा था जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, ये एक्सेप्शनल केस है, जिंक हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्लस टू. Now the next one. Next tha Na3CO NO26. Right? Bataye zara iska naam ab. Shabash. Sare likho. Vayu, aap batao. Ya itne bache hain, aap kyun nahi bolte? Aur koi batayega? Megha ke bagair aur koi batao. Shabash. Trisha, bataye jaldi. आप में से कोई बताओ पहले क्या लिखेंगे, एक एक करके बताओ, शाबाश शाबाश, अनम्यूट करो जल्दी बोलो, मैं लिखूंगा सोडियम, राइट, सोडियम हेक्सानाइट्रो, बहुत अच्छा, हेक्सानाइट्रो, मगर क्या नाइट्रो है ये, हेक्सानाइट्रो भी करेक्ट है लेकिन बेटर है हेक्सानाइट्रो एन, क्योंकि जब ओ एन ओ होगा तो तब लिखेंगे हेक्सानाइट्रो ओ, फिर शाबाश करेक्ट, हेक्सानाइट्रो भी करेक्ट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इट इज कोबाल्टेट, हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट एंड पैरेंथेसिस फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे एक एक करके सारे बच्चे कोशिश करेंगे, गलत हो जाए कोई चिंता नहीं है, तभी तो सीखेंगे आप, अब बताओ ये प्लस वन है, ये एक्स है, ये माइनस वन है, अब बताओ इसका पूरा, प्लस थ्री क्योंकि तीन सोडियम है, प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो, सो एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, सो वन वन एंड वन, राइट, तो इसका नाम आया सोडियम हेक्सानाइट्रो एन कोबाल्टेट थ्री, करेक्ट, नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन, सीआर NH3, बहुत सारे बच्चों ने करके भेजा था तो मैंने कहा डिस्कस ही करेंगे, दैट इज बेटर ऑप्शन, Fe NH3 होल ट्वाइस Cl4 होल थ्राइस, अब बताओ ये थ्राइस कुछ नहीं है, ये इसका यहाँ पर प्लस थ्री था इसलिए ये इधर आया है, इसका माइनस वन है तो इसलिए यहाँ नीचे आया, समझ आए, अब पहले पहले पार्ट का लिख लो नाम, शाबाश, पहले पार्ट का नाम बताइए, इट इज हेक्साएमाइन क्रोमियम, राइट, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में तो क्रोमियम आएगा,
अब क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कोई बताएगा मैं क्या आएगा? देखो इस कॉम्प्लेक्स का प्लस थ्री पहले ही मैं लिख चुका हूँ, इसका मतलब एक्स प्लस जीरो इज इक्वल प्लस थ्री, तो थ्री आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उधर ही कम, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स में अलग अलग निकाला जाता है इसका। अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं होता तब तो दोनों का एक्स एक्स लेके निकाल सकते थे। अब बताओ सेकंड पार्ट का नाम जल्दी, इसका नाम क्या आएगा? दो लिगेंड्स है क्लोरोडोनामाइन, पहले कौन आएगा? शाबाश, डायमाइन टेट्रा, डायमाइन, राइट राइट राइट, बहुत अच्छा, यू आर राइट, इट इज डायमाइन, टेट्रा नहीं है। अब बताओ, शाबाश, बहुत सुंदर, टेट्रा, सॉरी फिर लिखा मैंने टेट्रा, डायमाइन, बिल्कुल सही। फिर डायमाइन के बाद टेट्रा क्लोरिडो, यस राइट। फिर बताओ इसके बाद क्या आएगा? शाबाश, टेरेट, बहुत सुंदर। ऐसे आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करो मेरे साथ, मजा आ जाएगा पढ़ने में। फ्रेट, और इसके बाद पेरेंथीसिस। अब पेरेंथिस में क्या लिखेंगे? इसका टोटल माइनस वन मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इसका माइनस वन यहाँ आया है वन इस जगह पर, जब कुछ नहीं तो एन, तो एक्स प्लस जीरो माइनस फोर इज इक्वल माइनस वन, एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, तो इसका भी थ्री आएगा। समझ आया? एक्स अमोनिया का जीरो माइनस फोर इज इक्वल माइनस वन। ये माइनस वन क्यों मैंने लिया? क्योंकि यहाँ जीरो, यहाँ वन था, क्योंकि यही वन इधर आ जाता है और यही थ्री यहाँ आया है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम आया हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, डायमाइन टेट्राक्लोरिडो फ्रेट थर्ड, राइट। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन, CrONO, pole 6, राइट। बता दो क्या आएगा इसका नाम? पहले पोटेशियम, शाबाश, फिर बताओ आप, और कोई स्टूडेंट बताएगा आप इसका नाम क्या आएगा? शाबाश, शाबाश, बोलो कोई भी, चलो कोई भी बोलो, जल्दी बोलो। हेक्सानाइट्रेटो, हेक्सानाइट्रेटो भी लिख सकते हैं, या नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ, बहुत अच्छा, या इसके बदले नाइट्रो ओ लिखेंगे, या अगर आप चाहे तो नाइट्रेटो भी लिख सकते हो, लेकिन ये नाइट्रेटो कंसेप्ट पुराना है, आज की डेट में हेक्सानाइट्रो ओ बेटर है, लेकिन दोनों सही है। और क्या आएगा फिर? क्रोमेट या क्रोमियम? क्रोमेट, क्रोमेट, बहुत अच्छा। पैरेंथेसिस, प्लस वन एक्स माइनस वन, करो ऐड सबको, प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स जीरो, एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, राइट। तो यहां पर आया प्लस थ्री, राइट। दिस इज पोटेशियम हेक्सानाइट्रो ओ क्रोमेट, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन, सीओ एन टू एनओ टू होल ट्वाइस Cl। अब बताओ इसमें कितने ये है? दो, एक है नाइट्रो, एक है ई एन, इथेन वन टू डायमाइन और नाइट्रो। बताओ इन दोनों में पहले किसका नाम आएगा? तो क्या लिखेंगे फिर? शाबाश, हाँ बहुत अच्छा। हाँ बोलो बोलो, सारे बोलो, कोई चिंता नहीं, हाँ कोई वॉइस नहीं आएगी, बोलो बोलते जाओ, बोलो बोलो, कोई जोर नहीं। हाँ बीस इथेन वन टू डायमाइन, फिर डायनाइट्रो कोबाल्ट, बेटर है डायनाइट्रो एन भी साथ लिखोगे, दैट इज बेटर। कोबाल्ट, कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, बिकॉज पॉजिटिव पार्ट में, और बाहर क्या है? क्लोरिडो बाहर है, क्लोरिडो बाहर है, क्लोराइड, 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 यस, इज द काउंटर आयन, इज क्लोराइड, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्स जीरो माइनस वन, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ई एन इज न्यूट्रल लिगेंड, या मैं लिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस वन इज इक्वल जीरो, सो एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, सो वन वन एंड वन, राइट। दिस वॉज नेक्स्ट, बीस इथेन वन टू डायमाइन, डायनाइट्रो एन, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड। Now let us move to next one and last one.
Last one is zinc H2O whole 4. Cu NH3 Cl3 whole twice. ये twice का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, twice का मतलब ये plus 2 है. यहाँ इसका माइनस है तो ये माइनस 1 है, टोटल है. अब अलग अलग करेंगे, बताइए नाम. शाबाश, बोलो बोलो बोलो. टेट्रा एक्वा जिंक, बहुत अच्छा. जिंक 2 ही फिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है. एक्स प्लस जीरो इज इक्वल प्लस टू, एक्स इक्वल प्लस टू. बात बताओ, बताओ अब इस पार्ट का. शाबाश. अमाइन ट्राइक्लोरिडो क्यूप्रेट, बहुत सुंदर. अमाइन ट्राइक्लोरिडो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. क्लोरिडो, क्लोरिडो क्यूप्रेट. हाँ राइट, इट इज क्यूप्रेट. एंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, बता पैरेंथेसिस में क्या आएगा. एक्स जीरो माइनस वन, जरा ऐड कर लो. एक्स माइनस थ्री इज कॉल्ड माइनस वन. एक्स माइनस थ्री इज कॉल्ड माइनस, इस टू से कोई मतलब नहीं, मैंने पहले ही कहा ये इधर का टू है. एक्स प्लस जीरो, इस माइनस का मतलब है जो इधर का है. एक्स माइनस थ्री इज कॉल्ड, एक्स इज कॉल्ड प्लस टू, राइट. समझ आया ये सारा. दिस टूडे वी डिस्कस्ड अबाउट this nomenclature of coordination complexes. Hopefully all of you might have understood it fully. Any problem, any difficulty, you can call me or you can write in the group. Thank you so much. God bless you. This was all for the day. Right? Kuch puchna to puch lijiye. Thank you. Thanks all. God bless you.